जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान की आर्मी और यहाँ की आर्मी और यहाँ की मिलिट्री खड़ी रहती है। हम किसी को अपने बॉर्डर के अंदर घुसने नहीं देंगे, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो। अगर जरूरत पड़ी तो मुसलमान का बच्चा बच्चा अपने सर पर कफन बांध करके भारत पर पहुंचेगा और अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों आपस में भाईचारा बनाए रखो। मेरे आका की जिंदगी हमारे लिए नमूने जिंदगी है। आज से 100 साल पहले का वाकया है, पंजाब का एक डाकू डाका डालने के लिए दूसरे इलाके में गया। कहाँ गया? डाका डालने गया 100 साल पहले, जब रोड नहीं बने थे, कच्चे रोड थे, जंगल थे, आने जाने का सुविधा नहीं था। गांव में पहुंचते थे पूरा गांव लूट लेते थे, कस्बा लूट लेते थे। उनके कारिंदे पता लगाते रहते थे किस गांव के अंदर कौन सा बड़ा आदमी रहता है, मालदार गांव है, आज वहां डाका डालना है। एक दिन उनके जासूस ने आके खबर दिया डाकू के सरदार को, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर फला नामी एक गाँव है, बड़ा मालदार गाँव है, बड़े अच्छे लोग वहां पर रहते हुए है, वहां अगर डाका डाला जाए तो रुपया पैसा दिरहम दिनार सोना चांदी अशरफी सब मिलेगी, बहुत पुराना गांव है। डाकू अपने पूरे गिरोह के साथ उस गांव में पहुंच गया। रात का समय है, 12 बज रहे हैं, गांव से बाहर एक बगीचे में एक मैदान में खड़ा हुआ है। अब डाकू के सरदार से लोगों ने कहा अगर आप इजाजत दे तो इस गांव पर हमला किया जाए और एक एक को गोलियों से भून दिया जाए, कोई भी अपने घर से निकलने नहीं पाएगा। आज औरतों का सुहाग लूट लिया जाएगा, बच्चे यतीम कर दिए जाएंगे, आज एक एक घर को लूटा जाएगा। डाकुओं के सरदार ने कहा नहीं नहीं, इतना जल्दी मत करो, हमला नहीं करना है, एक बात का पता लगाओ। क्या जन्म का डाका डालने वाला वह डाकू कितनी बड़ी गैरत का मालिक था। उसने कहा पता लगाओ इस गांव में हमारे गांव की कोई लड़की तो नहीं है। दो जासूस गए, पता लगाने के बाद एक घंटे के बाद वापस आए। आने के बाद में डाकुओं के सरदार ने पूछा क्या पता लगाया, हमारे गांव की कोई लड़की ब्याही तो नहीं है, अगर नहीं ब्याही होगी तो हम डाका डालेंगे, कोई लड़की नहीं ब्याही होगी तो हम वापस चलेंगे। डाकुओं ने कहा कि हाँ, पता लगाने के बाद पता चल गया है हमारे गाँव की एक मेहतर की लड़की इस गाँव में। जोर से बोले सुभान अल्लाह, हमारे गाँव की एक भंगी की लड़की, एक मेहतर की लड़की कि इस गांव में ब्याही है। जब उन लोगों ने खबर दिया तो डाकू के सरदार ने कहा वापस चलो अपने मंदिर की तरफ, इस गांव में डाका नहीं डालेंगे। क्या बात है। सारे डाकुओं ने कहा है हमारे गिरोह के सरदार मामला क्या है, आप क्यों नहीं डाका डालेंगे। कहा बेटी तो बेटी होती है, चाहे मेहतर की बेटी हो चाहे अपनी बेटी, चाहे मेहतर की बेटी हो चाहे अपनी बेटी हो, कल हमारे गांव से एक मेहतर की लड़की का डोला आया था, हमने न्योता दिया था, तुरंत बन के इस गांव के अंदर आई है। अगर हमने इस गांव के अंदर डाका डाला और पता चल जाएगा तो जमाने के सारे लोग गांव वाले उस मेहतर के लड़की को ताना मारेंगे। तुम्हारे घर वाले गाँव वाले कितने बेगैरत लोग हैं, उन्होंने जरा भी अपनी लड़की का पास नहीं किया, इस गांव को लूट के लेके चले गए। इसलिए हम डाकू जरूर है मगर इतने बेगैरत नहीं है, हमारे गांव की मेहतर की लड़की ब्याही है, बेटी बेटी होती है, चाहे अपनी बेटी हो चाहे मेहतर की बेटी हो, उसको सम्मान बेटी के बराबर दिया जाएगा। वापस चलो, हम इस गांव के अंदर डाका नहीं डालेंगे। डाकू अपने 50 अफराद के साथ वापस अपने मंदिर की तरफ चला गया मगर उस गांव में उसने डाका नहीं डाला। ऐ लोगों, अपने अंदर जमीन बेदार करो, अपने अंदर गैरत पैदा करो, चाहे अपनी बेटी हो चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे मेहतर की बेटी हो, चाहे रिश्तेदार की बेटी हो, चाहे पड़ोसी की बेटी हो, चाहे किसी की बेटी हो, चाहे अमीर की बेटी हो, चाहे गरीब की बेटी हो, कभी ऐसा मत करना, उसको अपनी बेटी की निगाह से देखना, किसी की माँ को उसकी माँ की निगाह से देखना, उसकी इज्जत करना। भाभी हो तो इस्लाम ने माँ का दर्जा दिया है, बड़ी भाभी माँ का दर्जा रखती है, माँ के जाने के बाद ये माँ का रोल अदा करेगी। कभी भी बड़ी भाभी से उलझना नहीं, बदतमीजी से बात नहीं करना, गैर अखलाकी बात नहीं करना, ये हमारे नबी ने सुभान अल्लाह सुभान हमारे नबी ने सिखाया है। अच्छा ये बात बता दूं, बात बड़ी प्यारे की आ गई, बता दूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे हिंदू हजरात बैठे हो तो अभी सुन ले,
जब महाराष्ट्र के जंगल से जब राम का 14 साल का वनवास हो गया था और रावण श्रीलंका से आकर के जब सीता को लेकर चला गया था और राम ने एक रेखा खींचा था, इस रेखा को किरास मत करना। लक्ष्मण भी अपने भाई की मोहब्बत में चले गए थे शिकार के पीछे पीछे, और उसके बाद में रावण ने सीता को लिया और लेने के बाद में अपने रथ पे बिठाया और लंका लेके चला गया। लंका जाते वक्त तुलसीदास ने अपनी किताब रामायण के अंदर लिखा है कि जब सीता को रावण लेके जा रहा था तो रावण लेके जा रहा था तो वो अपनी निशानियां छोड़ती हुई जा रही थी, कहीं अपना दुपट्टा फेंक रही है, कहीं अपनी साड़ी फेंक रही है, कहीं अपनी नाक की नथनी फेंक रही है, कान का झुमका फेंक रही है, गले का हार फेंक रही है, अपने माथे की बिंदिया फेंक रही है, अपने पांव का पालतू फेंक रही है, ये फेंकते ही चली जा रही है कि जब राम शिकार से वापस आएंगे दोनों भाई व्याकुल हो जाएंगे, हमारी तलाश में निकलेंगे और तलाश में निकलेंगे तो कहीं हमारा निशान चप्पल रास्ता बताएगा, कहीं हमारा कपड़ा रास्ता बताएगा, सीता इधर ही रास्ते से गई हुई है, कहीं झुमका मिलेगा वो रास्ता बताएगा, कहीं पायल मिलेगा वो रास्ता बताएगा, कहीं हार मिलेगा वो रास्ता बताएगा। चलते चलते कपड़ा मिला, चलते चलते झुमका मिल गया, राम ने उठाया, उठाने के बाद में लक्ष्मण से पूछा, भाई लक्ष्मण जरा बताओ तुम्हारे भाभी का ये झुमका है कि नहीं। लक्ष्मण खामोश रहे, कुछ नहीं बोला, उठा के उन्होंने रख लिया और थोड़ी देर गए, जाने के बाद में उन्हें नाक की नथनी मिल गई, उसको भी उठा लिया। उठाने के बाद में कहा राम ने कि ऐ लक्ष्मण जरा ये बताओ ये तुम्हारी भाभी की नथनी है कि नहीं है, ये पत्नी नथनी है कि नहीं है। लक्ष्मण खामोश रहे, कुछ नहीं बोले और उसके बाद में थोड़ी दूर और चले तो माथे की बिंदिया मिली। राम ने झुक के बिंदिया उठाया, कहा है भाई मेरे भाई लक्ष्मण जरा सुनो सुनो, सीता इसी रास्ते से गई है, कपड़े के भी निशानात बता रहे हैं, चप्पल के निशानात बता रहे हैं, सेवर के निशानात बता रहे हैं, ये बिंदिया भी सीता की मालूम हो रही है। लेकिन वो खामोश रहे, कुछ नहीं बोले और कुछ दूर चलने के बाद में पांव का पायल मिला और जब पांव से मिला तो उनको उठाया राम ने और कहा भाई लक्ष्मण ये बताओ कि ये पायल भी तो सीता की है। तो लक्ष्मण ने कह दिया सर हिला के, हाँ हाँ ये पायल भी सीता की है, ये पायल भी सीता की है। लक्ष्मण ने से राम ने पूछा था बिंदिया जब मिली तो आपने कहा नहीं कि ये सीता की है, और जब कान की पाली मिली तो आपने नहीं कहा ये सीता की है, जब नथनी मिली तो आपने नहीं कहा कि ये सीता की है, जब पायल मिला तो आपने कहा हाँ हाँ ये सीता की है, आखिर मामला क्या है। तो लक्ष्मण ने कहा अरे मेरे भाई जब से मेरी भाभी ब्याह करके आई है आपके घर में आज तक लक्ष्मण ने भाभी का चेहरा ही नहीं, आज तक भाभी का चेहरा नहीं देखा है, इसलिए मैं न उनके हार को पहचानता हूँ, न उनके कान की पाली को पहचानता हूँ, न उनके नाक की नथुनी को पहचानता हूँ, न उनके जो है पेशानी के माथे की पेंदिया को पहचानता हूँ। जब जब हमारी निगाह पड़ी है तो पैर के ऊपर पड़ी है, मैंने निगाह उठा के अपनी भाभी को देखा नहीं है, इतनी हया इतनी गैरत लक्ष्मण के अंदर थी। क्या बात है जरा, उतार दिया लेकिन कभी पड़ी भाभी के चेहरे को, हाय हाय हाय, जब जब हमारी निगाह पड़ी है तो पैर पे पड़ी है, इसलिए पायल पहचानो कि पायल मेरी भाभी सीता ही का है और जेवर को मैंने देखा ही नहीं, निगाह उठा के चेहरा देखता तो हमने चेहरा ही नहीं देखा तो मैं जेवर पहचानता ही नहीं हूँ, मेरी निगाह पैर पर गई है तो ये पाँव से पहचान रहा हूँ कि सीता ही की है। अरे लोगों इसे सबक हासिल करो कि हमारी भाभी क्या होती है, बड़ी भाभी को इस्लाम ने माँ का दर्जा दिया है, जब बड़ी भाभी को माँ का दर्जा दिया है तो रिश्तों का ख्याल रखा कीजिए, माँ को माँ की तरह सम्मान कीजिए, बाप का बाप की तरह अदब कीजिए, बड़े भाई को बड़े भाई की तरह अदब कीजिए, भाभी का अदब भाभी की तरह कीजिए, बहन का अदब बहन की तरह कीजिए। मैं उलमा से भी कहूंगा कि कहीं भी जाइए तो ताक झाक में मत रहिए, बल्कि जहां भी जाइए अपनी निगाहें नीची करके रखिए, गैर महरम की तरफ तुम्हारी निगाह ना उठे, जिस थाली में खाया कभी उस थाली में चुराख मत करना। आज भी अमृतसर उत्तर भारतीय पंजाब का इलाका गवाही दे रहा है, दिल्ली में आज भी खाने से पहले प्याली में नमक आता है, औरतें बड़ी बूढ़ी जानती है कि हमारे दस्तरखान पे जो पहले नमक खा लेगा वो जिंदगी भर इस खानदान के साथ नमक हरामी नहीं, जिंदगी भर नमक हरामी नहीं करेगा। और हमारे हुजूर ने फरमाया है कि दस्तरखान पर नमक रखा करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के सबसे पहले नमक को उठा के जबान पर रखा करो, जो बिस्मिल्लाह पढ़ करके एक मर्तबा नमक को चुटकी से अपनी जबान पर रखेगा अल्लाह ताला उसकी बरकत से 70 बीमारियों से हिफाजत करेगा।
सुभान अल्लाह माशाल्लाह हिफाजत रहेगी। तो ऐ लोगो अदब करना सीखो। एक डाकू की गैरत तो डाका जाता था, मेहतर की बेटी गांव में ब्याही है, 50 किलोमीटर की दूरी पर ब्याही है, उस गांव में डाका नहीं डाला। हम अपने रिश्तेदारों के घर में डाका डाल देते हैं, हम पड़ोसी के घर में डाका डाल देते हैं, हम अपने भाई के साथ ना इंसाफी करते हैं, हम पड़ोसी के साथ ना इंसाफी करते हैं, हम गाँव वालों के साथ ना इंसाफी करते हैं, हम गरीब रिश्तेदारों के साथ ना इंसाफी करते हैं। ऐ लोगों अपने साथ हमदर्दी का जज्बा रखो। कुरान कह रहा है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक तुम्हारे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। देहात का एक बद्दू अपना घोड़ा बेचने के लिए देहात का रहने वाला, मक्के के अतराफ के देहात का रहने वाला एक बद्दू, एक देहाती जरूरत पड़ गई मक्के के बाजार में घोड़ा बेचने के लिए आया। ये उस वक्त की बात है जब मक्के में मेरे आका ने अपने नबुव्वत का ऐलान कर दिया था, नबी आखिरुज़्ज़मा होने का ऐलान कर दिया था, ए खुदा की वहदानियत का ऐलान कर दिया था, अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान कर दिया था। चंद लोग मुसलमान भी हो गए थे, तबलीग शुरू हो गई थी दारे अरकम से, मुसलमानों को सताया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था, उनके नाकों में दम किया जा रहा था, चटाई में लगे के धुआं दिया जा रहा था, उन्हें सूली पर लटकाया जा रहा था, तरह तरह की कुफारे मक्का अज़ियत दे रहे थे। वो बद्दू ऊंट घोड़ा बेचने के लिए आया, उधार घोड़ा अबू जहल ने ले लिया, कहा अभी थोड़ी देर के बाद मैं चला के देता हूँ। घोड़ा लेके चला गया, अपने अस्तबल में बांध दिया। घंटा गुजर गए नहीं आया, दो घंटा गुजर गए नहीं आया, तीन घंटा गुजर गए नहीं आया, चार घंटा गुजर गए नहीं आया, पांच घंटा गुजर गए नहीं आया, छह घंटा गुजर गए नहीं आया। मगरिब का वक्त हो गया, सूरज डूब गया। सूरज डूबने के बाद देहाती जो एक वक्त रोटी लाया था दोपहर में खा लिया, शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है। रात हरम के सहन में उसने बसर किया। सुबह हो जाने के बाद अबू जहल को तलाश करने लगा। जब घर का पता चल गया, जब भी ये जाता था इसको डांटता था, फटकारता था, जाओ तुम क्या घड़ी घड़ी मुझे परेशान कर रहे हो, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं दे दूंगा। अब बेचारा गरीब अपनी जरूरत के लिए मक्के में अपना घोड़ा बेचने के लिए आया था, घोड़ा बिक जाए तो उसके घर का अखराजात चल जाए। तीन दिन से परेशान था, भूखा था। इतने में क्या देखा, काबा शरीफ के सामने एक पहाड़ का टीला है, उस पहाड़ के टीले पर सना दीदे कुरैश बैठ के आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपना हमदर्द और गमगुसार समझ करके उनके पास में गया और उसने कहा, भाई मैं तो मक्का के करीब देहात का रहने वाला हूँ और तीन दिन पहले मैंने अबू जहल को घोड़ा बेचा था, उधार उसने घोड़ा ले लिया, तीन दिन से परेशान क्यों, ये पैसा नहीं दे रहा है, आप लोग मेहरबानी मेरे साथ हमदर्दी करें, मैं भूखा आदमी हूँ, तीन दिन से कुछ पिया हूँ ना खाया हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे फाके से होंगे, जरूरत पड़ गई तो मक्का घोड़ा बेचने के लिए आ गया, पैसा नहीं दे रहा है, वो बहुत बड़ा रईस सरदार है अपने कबीले का, आप लोग अगर चाहें तो हमारी मदद कर दें। उन लोगों ने ठट्ठा लगाया, हंसी लगाया, कहा लगाया, मजाक उड़ाया और कहा हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। वो काबे की दीवार से टेक लगा के जो कुछ पढ़ाई कर रहा है एक नौजवान, उसी से चले जाओ, कह दो कुछ कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं। वो मेरा कोई और नहीं था, मेरे आका जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में बाहर बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ने के बाद काबा शरीफ से टेक लगा करके आप बैठ गए थे। अब उसके बाद में वो शख्स गया, जाने के बाद में उनसे कुछ कहना चाहता था। मेरे आका ने फरमाया, कहो कहो क्या कहना चाहते हो, तुम तो परेशान मालूम हो रहे हो, देहात के रहने वाले। कहा हाँ मैं देहात का रहने वाला हूँ, क्या मतलब है, क्या परेशानी है। कहा तीन दिन पहले इसी मक्का का रहने वाला अबू जहल, आप भी जानते होंगे, उसके हाथ पर मैंने अपना घोड़ा बेच दिया था, उधार घोड़ा ले जाने के बाद में कहा अभी पैसा ला के देता हूँ, मैं इंतजार करता रहा नहीं आया, और उसके बाद में पता लगा कि उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने कहा क्या घड़ी घड़ी दौड़ दौड़ के मेरे दरवाजे पर आते हो, दे दूंगा बाद में आके ले लेना, आप बताइए मैं अपनी जरूरत से अपना सामान बेचने आया था, हमारे बच्चे फाकों से मर रहे होंगे, हम तीन दिन से भूखे हैं, हमारी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। वो जो टीले पे बैठे हुए लोग हैं उनके पास मैं गया, वो लोग ठट्टा लगा के हंसने लगे और आपकी तरह इशारा के वो नौजवान बैठा है
जो काबा शरीफ के किनारे, उनसे कहो कुछ कर देंगे। उनको फारे मक्का ने इसलिए भेज दिया था कि वो जाएंगे तो अबू जहल खुद ही उनको मारेगा, अबू जहल उनका मजाक उड़ाएगा, ये पैसा नहीं आ पाएगा, हम लोग हंसेंगे मजाक उड़ाएंगे। मेरे आका ने पूछा अच्छा ऐसी बात है, तो चलो तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा, चलो मेरे घर चलो, कम से कम पहले तुम पानी पी लो, कुछ खा लो। हुजूर मोहब्बत से अपने घर ले गए। ले जाने के बाद उसे बिठाया चटाई पर, चटाई बिछाने के बाद में कुछ खजूर पेश किया और पानी पेश किया। उसने खजूर खाया, पानी पिया, पानी पीने के बाद में कहा अब तुम आराम कर लो, थोड़ा तब चलते हैं। थोड़ा आराम भी किया, कहा उठो चलते हैं अबू जहल के पास। आगे आगे मेरे आका है, पीछे पीछे वो बत्तू देहाती है। मेरे आका तशरीफ ले गए और अबू जहल घर के दरवाजे पर गए, कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन का दरवाजा खोलो? मैं मोहम्मद बोल रहा हूं, सुभानअल्लाह माशाअल्लाह, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो। इतना सुनना था कि अबू जहल ने दरवाजा खोल दिया। कैसे आना हुआ? वो समझ रहा था हमें तबलीग करने आए होंगे, हमें नमाज की दावत देने आए होंगे, हमें कलमा की दावत देने आए होंगे, हमें इस्लाम की दावत देने आए होंगे। जब उस देहाती को उनके साथ में देखा तो हक्का बक्का रह गया। मेरे आका ने फरमाया सुन सुन, तीन दिन पहले तुझसे इसने उधार घोड़ा खरीदा है और परेशान कर रहा है, दे नहीं रहा है, बोल पैसा कब दे रहा है, ला के जितना जल्दी हो सके पैसा इसे दे दे। अबू जहल ने घबरा के कहा ठहरो, मैं अंदर जाके घर से पैसा ले। अबू जहल ने कहा ठहरो, मैं अंदर जाके पैसा लेके आता हूँ, बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, सुनते रहिए, ठहरो मैं अंदर जाके पैसा लेके आता हूँ। अबू जहल अंदर गया, अंदर जाने के बाद जो रकम तय हुई थी लेकर के आया, उस वक्त दिरहम चल रहा था, ला करके सारा दिरहम घोड़े का गिर लिया, देहाती चला गया अपने घर, और हुजूर पैसा दिलवाने के बाद चले आए अपने घर, और पीछे से कुफारा ने मक्का ने एक जासूस लगा दिया था इस देहाती के पीछे, दूर से रहना, देखते रहना मोहम्मद इनके साथ क्या सलूक है, अबू जहल क्या क्या गालियां देता है, तब हम लोग मजाक उड़ाएंगे। उसने आकर के उन लोगों को बताया, उन लोगों को बताया कि जैसे ही मोहम्मद गए हैं, कुंडी खटखटाई है और कहा इसका पैसा तो क्यों नहीं देता है। उसने एक लम्हा ताखिर नहीं किया, घबरा के घर के अंदर गया और सारा पैसा ला के देहाती के हाथ में रख दिया, देहाती अपने घर चला गया और पैगंबर अपने घर चले गए। मैंने ये माजरा देखा है। इसने कहा जाओ उस शख्स को बुला, अबू जहल को बुला के लेके आओ, कहो फला फला लोग वहां बैठे हुए हैं, बुला रहे हैं। वो सब दौड़ता हुआ गया अबू जहल को बुलाने के लिए कि अगर इसमें कुछ मदद हो सकती है तो हम लोग मदद करेंगे। अबू जहल को बुलाया, गुंडी खटखटाई, कहा चलो हरम काबा में टीले के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं आपके मिलने वाले दोस्त अहबाब बुला रहे हैं। अबू जहल भागता हुआ आया, कुफारा ने कुरैश ने पूछा कि मोहम्मद तुम्हारे घर के दरवाजे पर गए थे, उस देहाती के घोड़े का पैसा बाकी था, तुमने इतना जल्दी क्यों दे दिया, क्या जोदो कोप नहीं किया? अबू जहल ने कहा तो मेरे घर के दरवाजे पर मोहम्मद गए पैसे का मुतालबा करने के लिए, कबल इसके कि मैं कुछ कहता, मैंने अपनी आंखों से देखा मोहम्मद के सर के ऊपर एक आस्था है, जो और आवाज दे रहा है, अगर मोहम्मद की बात तूने मानी नहीं, पैसा ला के दिया नहीं, तो आज मैं तुझको तेरे घर पर निकल जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्ना, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, कहा मैंने अपनी आंखों से देखा पैगंबर मोहम्मद के ऊपर इतना बड़ा अफ़दाह मुखोले हुए था, आज तक मैंने इतना बड़ा अफ़दाह नहीं देखा है कि वो चाहता तो मुझे मेरे घर के साथ निकल जाता। घबरा करके मैंने पैसा ला करके मोहम्मद के हाथ में रख दिया, मोहम्मद ने पैसा उठा के देहाती को दे दिया, देहाती खुशी खुशी अपने घर चला गया। अरे लोगो, ये हमारे पैगम्बर की सीरत है, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक रसूल की जिंदगी हमारे और आपके लिए नमूने जिंदगी है कि हम अपने भाइयों के साथ, परेशान लोगों के साथ हम कैसे मदद करें, उनके साथ हमदर्दी करें। सैयदना मौलाना मलजाना मोहम्मद मादन जुदी वल गरम बबैन इल्मी वल कम सलाम अलैका या